कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियोफाई की। जियोफाई एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, और दोस्तों इससे आप कर सकते हैं कॉलिंग और इसका यूज कर सकते हैं आप डाटा यानी नेट। तो दोस्तों, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं। जहां तक मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मिलता है 999 रुपये में। 999 रुपये में आपको खाली डिवाइस मिलेगा और दोस्तों इसके साथ में एक चार्जर और एक डाटा केबल। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको पूरा इसको खोल के ओपन करके। इसको हम ओपन करते हैं तो दोस्तों ये है आपका जियोफाई। इसको आप देख लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ है जियोफाई वॉइस, जियो फॉर वॉइस। आप जियोफाई के लिए डाउनलोड करें जिससे आप वीडियो कॉल कर सकें, वॉइस कॉल कर सकें और जैसा चाहें वैसा कॉल कर सकें। ये आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। और दोस्तों इसके साथ में आता है एक यूएसबी चार्जर। ये यूएसबी चार्जर है और ये है डाटा केबल इसकी। इसको आप इसमें लगाकर और चार्ज कर सकते हैं और ये आप लगा सकते हैं अपने जियोफाई में इधर यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी चार्जिंग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करें तो इसमें वही प्लान मिलेंगे जो आपको मिलते हैं जियो सिम में, जो आप मोबाइल के लिए यूज करते हैं वही सिम इसके लिए भी यूज होती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसमें डाल के देखेंगे सिम। ये दोस्तों ओपन कर लिया हमने। ये है इसकी बैटरी और दोस्तों इसके अंदर आप लगा सकते हैं एक मेमोरी कार्ड इधर और लगा सकते हैं आप एक सिम जो लगेगी आपकी नैनो सिम। तो दोस्तों अब हम इसको डालते हैं इस सिम को। तो दोस्तों मैंने सिम को इंसर्ट कर दिया है। अब हम लगाएंगे इसकी बैटरी। दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में मैं बात करूं तो ये मिलती है आपको 3000 mAh की। और दोस्तों जो पुराने वाईफाई में जो बैटरी आती थी, जो ओल्ड मॉडल था इसका जो लंबा वाला था, उसमें मिलती थी आपको 2300 mAh की। तो इसकी बैटरी भी 700 mAh ज़्यादा है उससे, ये जो गोल वाले में है। तो ये बैटरी के पर्पज़ से ये बेटर है आपका। अब हम इस बैटरी को डालते हैं इसमें और दोस्तों जब आप इसको बंद करें तो ये देख लें कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम आए, तब आप इसको बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे थोड़ी देर, आप इसे प्रेस करें। अब देखिए ये ऑन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है बैटरी। इसके बाद में यहाँ सिग्नल आएंगे आपके और यहाँ पे आएगा आपका वाईफाई का सिग्नल, यहाँ आपका नेटवर्क सिग्नल, यहाँ वाईफाई का सिग्नल। वेट करते हैं अभी। तो दोस्तों नेटवर्क आ चुका है, नेटवर्क के सिग्नल आ चुके हैं, वाईफाई के भी सिग्नल आ चुके हैं। तो वाईफाई इस समय ऑन है। ये है आपका WPS। इसको आप बिना पासवर्ड के दबा के डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे अपने मोबाइल से। तो कोई भी हम मोबाइल ले लेते हैं और जिस तरह लेते हैं वाईफाई ऑन। ये करते हैं वाईफाई ऑन। तो ये आ चुका है जियोफाई। दोस्तों यहाँ मांगेगा पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड जो है वो आपके लिखा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पासवर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पासवर्ड लिखा हुआ है, आप इसको डाल सकते हैं।
और दोस्तों आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ जो बुकलेट आई है उसमें सारा प्रोसेस दे रखा है उसको चेंज करने का, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ यहाँ पे, अब मैं करता हूँ इसको कनेक्ट। अब देखिए ये हो चुका है कनेक्ट मेरा, तो अब देखते हैं इसमें नेट चल रहा है कि नहीं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड डिपेंड करती है आपके नेटवर्क पर और आपके मोबाइल की क्वालिटी पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये खुल चुका है, तो वाईफाई अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब दोस्तों अगर आपको कॉलिंग करनी है तो आप प्ले स्टोर में जाके जियो फॉर वॉइस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इससे कंप्यूटर से कनेक्ट करें, अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? दोस्तों इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किया है, इसके वाईफाई से आप अपने लैपटॉप के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर उसमें वाईफाई है या आप एक्सटर्नल वाईफाई लगा के कनेक्ट कर सकते हैं, तब तो वही तरीका है। लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं है और आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहते या वाईफाई से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका तरीका है दोस्तों डाटा केबल। डाटा केबल से कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये डाटा केबल आपको लगानी है इसके स्लॉट में, यहाँ पर ये वाली, इस वाले स्लॉट में ये लगानी है। और बाकी जो यूएसबी पोर्ट है वो आपको अपने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देना है, सिंपल लगा देना है। अगर आपके पास विंडोज 7 है या उससे ऊपर है तो सिंपल आपको ये पोर्ट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ना डिवाइस में करना, ना कंप्यूटर या लैपटॉप में करना, सिर्फ आपको प्लग एंड प्ले आप लगाइए और नेट चलाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।